नमस्कार दोस्तों, हमारे स्मार्ट एल्युमिनियम चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने साइड पे और यहां पे मैं आपको मेजरमेंट लेने बताऊंगा किस तरीके से मेजरमेंट लिया जाता है कोई भी स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, समय मैंने बिल्कुल नहीं वेस्ट करूँगा, दिखा दे। दोस्तों नीचे का मेजरमेंट हमारा जो है 56.38 है और थोड़ा जूम करो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 56.38 मेजरमेंट नीचे है, ठीक है। और मैं आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेप लगा लिया हूँ और यहाँ देख सकते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट यहाँ लेके आओ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 56.14 मेजरमेंट है। आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए नीचे जैसे दाता पट्टी बना हुआ है और यहाँ पर प्लेन है, यहाँ प्लेन है, यहाँ कोई दाता पट्टी नहीं बना हुआ है, आप देख सकते हैं एकदम प्लेन है, ठीक है। आपको नीचे अगर दाता है या नहीं है, अगर प्लेन है तो आपको पूरा ऊपर का मेजरमेंट से आपका टॉप कटेगा, ठीक है। टॉप इसको बोलते हैं जो ऊपर साइड में लगेगा, ठीक है। ऐसा आप देख सकते हैं, आपको इधर से भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर का फुल साइज कटेगा, नीचे का भी जितना रहेगा उतना फुल कटेगा। और हाइट में आपको दिखा देता हूँ 56, आप देख सकते हैं। आपको मेजरमेंट जब भी लेना है इधर का भी साइड आपको लेना है और उधर का भी साइड आपको लेना पड़ेगा और नीचे भी, हाँ नीचे भी आपको लेंथ में लेना पड़ेगा, ऊपर भी लेना पड़ेगा। जो सबसे छोटा मेजरमेंट आएगा आपको वही जो है अपने डायरी या बुक पे लिखना है, ओके। तो दोस्तों ये हमारा मेजरमेंट लेने का तरीका है। दोस्तों मैं आपको साइड पे दिखाया, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप कभी भी मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, आपको मेजरमेंट कभी भी कौन सा लेना है और कहाँ पे लेना चाहिए। देखिए आपको सबसे पहले मेजरमेंट लेना है चौड़ाई का, चौड़ाई का। और आपको दो जगह पे मेजरमेंट लेना है, कौन कौन से जगह पे, सबसे पहले नीचे और ऊपर, ये दोनों जगह पे मेजरमेंट लेने के बाद जो सबसे छोटा मेजरमेंट आया आप देख सकते हैं 50.5, यहाँ 50.34, आपको कौन सा लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना है ये सही है और ये सही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मेजरमेंट है तो आपको छोटा वाला लिख लेना है। तो आप यहाँ पे 50.5 लिख लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए बाई। दोस्तों अब आपको कहाँ पर लेना है हाइट का, यहाँ पर लेंगे ये वाला और यहाँ पर लेंगे ये वाला, ठीक है। तो इसमें दोनों में से कौन सा छोटा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 48.18 लिखा हुआ है या 48.14 है, इन दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों, ये और ये। मेरे हिसाब से ये नहीं सही है और ये सही है, क्यों मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो हमेशा बड़ा वाला सही नहीं रहता है, छोटा वाला मेजरमेंट आपको लिखना है। तो ये 48.18 यहाँ पर मैं लिख लूँगा, ठीक है 48.18। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए, आप लोग कभी भी मेजरमेंट ले रहे हैं आप नंबर वाइज सबसे पहले करिए, नंबर वाइज नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये हॉल का था या किचन का था या बेडरूम का था, ठीक है। हॉल किचन बेडरूम एक नंबर दो नंबर, इस तरीके से आप करके लिखिए, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और दूसरी बात, आपको जब भी विंडो ले रहे हैं तो जैसे मेजरमेंट लिख रहे हैं ना उसके सामने आप एक छोटा सा ड्रॉइंग बना लीजिए, ठीक है, 2 ट्रेक है या 3 ट्रेक है जो भी है। अब इसी एग्जाम्पल ये किचन का हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये 2 ट्रेक है, ठीक है, समझिए ये यहाँ पे एग्जस्ट फैन भी हो गया और ये 2 ट्रेक विंडो भी हो गया। तो आप इस तरीके से अगर ड्राइंग बना के काम करेंगे और उसके सामने मेजरमेंट के सामने लिखेंगे तो दोस्तों आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। मैं आपको अब डोर का मेजरमेंट बता देता हूँ, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ इसके अंदर बता देता हूँ, ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम ग्लास डाल देते हैं और यहाँ पे एक मिडल हो जाएगा। अब डोर का मेजरमेंट दोस्तों आपको देखिए, जैसे ये 26 हुआ और ये 26.14 हुआ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ और यहाँ में दोनों में लिए हैं, बीच में आपका कितना आया समझिए, आपका यहाँ पे 26.18 आया। तो आप इसमें दोनों में से कौन सा लेंगे तीनों में से। दरवाजा का मेजरमेंट आपको कहाँ कहाँ पे लेना है, सबसे पहले तो आप चौड़ाई लिखेंगे, चाहे वो कभी भी दरवाजा का मेजरमेंट ले रहे हैं या आप किसी विंडो का मेजरमेंट ले रहे हैं, आपको अपने डायरी या बुक में नंबर वाइज तो करना है बट आपको सबसे पहले चौड़ाई का मेजरमेंट लिखना पड़ेगा। ऊपर का चौड़ाई का मेजरमेंट और नीचे का चौड़ाई का मेजरमेंट आप पहले चेक कर लीजिए और बीच में भी आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है।
जब भी दोस्तों देखिए 6 फीट से ऊपर आपका विंडो का मेजरमेंट साइज जा रहा है, ठीक है। अब जैसे आप किसी भी विंडो का मेजरमेंट लेने गए हो, 6 फीट बाई 6 फीट का है, ठीक है, तो आप इसको दोस्तों कितने जगह मेजरमेंट करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे और नीचे तीन जगह पे, 1 2 3 तीन जगह पे मेजरमेंट आपको करना है। हाइट में भी इसी तरीके से करना है, एक जगह पे, दो जगह पे, मतलब टोटल मिला के इस साइड में बीच में तीन जगह पे आपको मेजरमेंट करना है। तो दोस्तों ये बहुत खचर पचर हो गया मेरे हिसाब से, दोस्तों आप इस पे ना ध्यान दीजिए, मैं आपको मिटा देता हूँ। आप लोग को इस तरीके से मेजरमेंट करना है, कभी भी आप लोग याद रखिए, आपको मेजरमेंट जब भी लेने जा रहे हैं तो आप तीन जगह पे मेजरमेंट लेंगे, बड़ा साइज हुआ तो, छोटा साइज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4x4 का है, 4x5 का विंडो है, ठीक है, या 5x4 का है, या 4x5 का है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नीचे और ऊपर मेजरमेंट लेना है और साइड साइड में लेके चले आना है और नंबर वाइज करके आपको लिखना है, ये कभी मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमें मोटिवेट करिए और आप एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने किसी और दोस्तों के पास शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि आप लोग से मुझे बहुत उम्मीद रहता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो, जब आप लोग कमेंट करते हो, सर आप वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाते हो, तब दोस्तों मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं समझा लेता हूँ, इसलिए आप लोग तो मुझे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग मोटिवेट करते हो तो मैं आप लोग को अच्छी अच्छी जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों मुझे कुछ लोग गलत भी कमेंट करते हैं, बट उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हेटर तो पैदा ज़िंदगी में ही होते ही रहते हैं, हेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग अच्छे से देख रहे हैं, बस मुझे इतना ही बहुत काफ़ी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो समझ में आ गया होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके फॉलो करिए, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे पिक पोस्ट करते रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।